Hi students, this is KD sir from Shivam Education. Today we are going to continue with exercise 1.4 of chapter number 1, statistics of class 12, right? Ye jo 1.4 hai, this is related to cost of living index number, right? Ab ye cost of living index number kya hai, right? Kyunki dekhiye, agar aap dekho zamane se dekhte aa rahe hain, right? Hamare waqt mehngwari itni thi, हमारे वक्त अभी ऐसी है, ये जो कंपैरिजन जो है वही है। इंडेक्स नंबर का मतलब ही है कंपैरिजन, रिलेटिव बोला था वही है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में हम कंपैरिजन करने वाले, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में भी दो मेथड है, वन इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और अनदर इज फैमिली बजट मेथड। अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखो तो कहीं नहीं घूम फिर के वही फॉर्मूला लास्ट पायर्स और फास्टेस्ट मेथड पे ही आने हैं, राइट? और अगर वो फैमिली बजट मेथड आया तो वापस वो लास्ट पायर्स मेथड पे ही आएगा, राइट? तो वही होने वाला है, उसमें प्राइस रिलेटिव देखते थे, यहाँ पे कॉस्ट लिविंग का एक्सपेंडिचर का हम लोग कंपैरिजन करने वाले, दैट्स द थिंग, राइट? तो इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग प्राइस के साथ कंपेयर करते थे, दैट इज प्राइस रिलेटिव, यहाँ पे एक्सपेंडिचर रिलेटिव वही होने वाला है। तो इट्स वन एंड सेम थिंग, ओनली द थिंग्स डिफर्स। You have to now compare with family expenditure, cost of living, and this is the thing, right? So let's start, okay? Question number one. The following data are obtained from the family budget inquiry of middle class people. State the change in the cost of living in the year 2015 with respect to the year 2013 by finding the index number. If the average monthly disposable income of the family of in the year 2013 is 15,000, then obtain the estimate of the necessary average monthly disposable income in the year 2015, right? देखिए ग्रुप में क्या क्या है, आइटम्स में फूड, फ्यूअल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, क्लोथिंग, मिसेलेनियस, राइट? और उसका वेटेज दिया है, एक्सपेंडिचर इन 2013, हमको इसको क्या करेंगे, P0 में लेंगे, और एक्सपेंडिचर इन 2015 हम इसको लेंगे P1 में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, जैसा अभी मैंने बताया, ये सब दिया हुआ, P0 P1 में लेना है। ये वापस देखिए, ये फूड, फ्यूअल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, क्लोथिंग, ये सब क्या है, हमारे फैमिली के लिए आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का ही आता है, राइट? ये सब पे खर्चा होता है, दैट इज एक्सपेंडिचर होता है। उसको हम कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि 2013 में उनका मिडिल क्लास वाले फैमिली का किस तरह का बजट था और 2015 में उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो गया है। लेट्स सी। अब देखिए, जब P0 P1 दिया है तो रिलेटिव बोला तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर रिलेटिव, राइट? तो दैट विल P1 को हम लेंगे 2015 और 2013 को P0। लेट्स स्टार्ट, राइट? दैट इज ओके। चलो फिर इसके बाद ये आएगा, चलो लेट अस फाइंड आउट 130, 127.59, 160, ये हो जाएगा 00 का, राइट? अब ये देखिए, वेटेज तो दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, IW मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट? 5850 1913.85 1600 3000 और ये हो गया 1200। तो सिग्मा IW क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13563
0.85, राइट, दिस इज आवर सिग्मा आई डब्ल्यू। अब हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला ढूंढना है, राइट। तो ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, राइट, इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। यहाँ पे सिग्मा डब्ल्यू क्या आएगा, 30, 40, और ये 40, ये कितना हो जाएगा 85, और ये 100, राइट, दैट इज 13563.85 अपॉन 100, ये आ जाएगा 135638, है ना, इसको 64 कर देंगे, राइट, 135.64। नाउ कंपेयर करना है 2013 के हिसाब से 2015 में एक्सपेंडिचर कितना राइज हुआ, देयरफॉर, राइट, कंपेयरिंग टू 2013, द राइज इन एक्सपेंडिचर इज 135.64 माइनस 100 इज इक्वल टू 35.64, राइट, परसेंटेज, दिस इज द कंपैरिजन। तो ये इतना राइस इसका हुआ है। अब हमको ये देखना है डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल इनकम, अगर इनका एवरेज इन्होंने निकाला है, वो रखा है उन्होंने 15,000, राइट, तो इसके हिसाब से हमारा कितना होगा, ये लेट अस सी, राइट, तो डिस्पोजेबल इनकम ऑन 2015 इज इक्वल टू कितना है, 15,000 इंटू 135.64 अपॉन 100, राइट, लेट्स सी, ओके, सो लेट्स सी, 15,000 इंटू 135.64 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 20,346 रुपीस, राइट, तो ये रहेगा उनका 2015 का डिस्पोजेबल इनकम। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट, तो पहले आपको क्या करना है, ये आई डब्ल्यू फाइंड करना है, सिग्मा आई डब्ल्यू, और इसके बाद फॉर्मूला ये, और इसके बाद इसका डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करना है, राइट, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 बाय द मेथड ऑफ फैमिली बजट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा about prices and consumption of food items and interpret it, right, okay, now if you see here in item wheat, rice, bajri and tuvar dal is given, okay, aur year 2010 mein Q0 P0 ye diya hua hai, 2014 ka P1 diya hua hai, yahan pe hum relative price, aur agar hum log ye wala formula hai to that is family budget method, राइट, तो W इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, P0 Q0, लेट स्टार्ट। नाउ और ये 25 into 50, ओके, सो लेट्स कैलकुलेट, वन ट्वेंटी फाइव 116.67 70 200, that is 140, okay, now ye hai 60 15, 900
40 30 32 1280, ये आएगा 15 12 180, ये आएगा 25 और ये 50 1250, राइट right? ओके okay, अब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे IW से, 120 × 900, दैट इज 108,000, राइट। फिर 125 × 1280, और ये सिग्मा W क्या होगा, सिग्मा W होगा 900 प्लस 180, 36 1 0, राइट। नाउ हमको क्या करना है, इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, राइट, फैमिली बजट मेथड से, दैट इज सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, दैट इज 464,000,160 अपॉन 36 1 0, राइट। ये क्या आएगा, 464,000,060 डिवाइडेड बाई 36 1 0, दैट इज 128.53, राइट। अब ये क्या हो गया, क्या इनका इंक्रीज हुआ, कितना राइस हुआ कंपेयर टू 2010, राइट। देयरफॉर द राइस इन द ईयर 2014 कंपेयर टू 2010 इज कितना होगा, 128.53 माइनस 100, दैट इज 28.53%, राइट। ये राइस हुआ, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। बस यही आपको ढूंढना था, आराम से इजी सम है, राइट। डू दी नेक्स्ट सम, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अब पहले इसका मैंने टेबल इसलिए लिखा है कि पहले हमको कन्वर्जन करना जरूरी है, जब भी ऐसा सम दिया हो तो पहले कन्वर्जन बनाइए फिर उसके बाद टेबल लिखिए, बरोबर। तो अभी देखिए इसमें कोई क्विंटल में दिया है, कोई केजी में दिया है, और 20 kg पर केजी नहीं दिया है, तो जो भी प्राइस होना चाहिए वो पर केजी होना चाहिए या तो पर लीटर होना चाहिए, राइट। तो ये जो है यूनिवर्सल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों के लिए। यहाँ पे डजन दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, पीसेस दिया है, तो हमको पीसेस में फाइंड आउट करना है। लेट्स सी नाउ, फॉर द ईयर 2014 पहले ले लेते हैं, राइट। अब 2014 में ले ले तो क्विंटल का दिया है, राइट, तो हमको तो यहाँ पे केजी से मतलब है, तो पहले क्या करेंगे, फॉर आइटम ए, ए इज इक्वल टू, दिस इज 1200 अपॉन 100, क्या हो जाएगा ये 12 rupees, राइट। ये हो गया पर केजी, राइट, ये हो गया पर केजी, यहाँ पे लिख दीजिए पर केजी, राइट। अब वही चीज यहां पे भी फाइंड कर सकते हैं सेम वे, तो फॉर द ईयर 2015, चलो बाद में फाइंड करते हैं, पहले फिर उसके बाद ये देखिए, फॉर आइटम बी क्या है, 20 kg दिया है, तो 340 अपॉन 20, राइट, दैट इज 17 rupees पर केजी, राइट। अब थर्ड वाला क्या है, फॉर आइटम सी लीटर दिया, 10 लीटर दिया है,
लेकिन यहाँ पे 30 है तो 30 अपॉन 10 क्या हो जाएगा, 3 लीटर, राइट, 3 रुपीस पर लीटर, राइट। और फिर उसके बाद डजन डी, फॉर डी आइटम डी क्या है, डजन में है, राइट। और हमको पीसीस में चाहिए तो क्या करना है, 15 अपॉन 12 क्या आएगा, 1.25, राइट। दिस इज द थिंग, ये रुपीस पर पीस, राइट। और फिफ्थ क्या है, मीटर दिया है, और यहाँ मीटर 14 मीटर, तो वो वही का वही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसको वैसे ही रहने दो, राइट। अब वही चीज हम फॉर द ईयर 2015, फॉर द ईयर 2015 में देखते हैं, 2015 में क्या किया है, राइट। 1700 फॉर आइटम ए, 1700 का 100 से करेंगे तो 70 रुपीस पर केजी। फॉर आइटम बी क्या आएगा, 380, तो 380 डिवाइडेड बाय 20 तो क्या हो गया, राइट, 19 रुपीस पर केजी। थर्ड फॉर आइटम सी, अब सी में क्या है, लीटर है और 40 है, तो 40 अपॉन 10 तो क्या हो गया, 4 रुपीस पर लीटर। और फिर फोर्थ है डजन, राइट, तो आइटम डी हो जाएगा 24 अपॉन 12, दैट इज 2 रुपीस पर पीस, राइट, 2। तो ये हमारा टेबल के लिए काम आ जाएगा, राइट। नाउ वी कैन राइट दी बाय मेक दी परफेक्ट टेबल, ओके, लेट्स मेक द टेबल, ओके स्टूडेंट्स। नाउ एज वी नीड टू फाइंड टोटल बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इंडेक्स नंबर, राइट, तो हमको ये वाला सब टेबल बना के ढूंढना है, राइट। ऑलरेडी हमने सबको तैयार कर दिया है, लेट अस सी P1Q0। ये ऐड कर दो 1504, राइट। अब वही चीज P0Q0 करते हैं, 12560 मतलब 600, राइट, 1817 दैट इज 306, और फिर 12 3 36, 20 1.5 दैट इज 25, और ये है 14 12 168। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 168 1135, राइट। नाउ इंडेक्स नंबर, नाउ इंडेक्स नंबर क्या आएगा, इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100, राइट। तो ये अगर हम देखें तो क्या आएगा, 1504 डिवाइडेड बाय 1135 इंटू 100, दैट इज 1504 टू 1135, दैट इज 132.51, राइट। तो ये क्या हुआ, राइस कितना हुआ, therefore the rise in the expenditure the year kaun sa aayega 2015 compared to the year 2014 is 132.51 minus 100, that is 32.51% राइट। दिस इज द राइस, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, और ये आपका आंसर है, राइट। प्लीज चेक और प्लीज डू इट
टुगेदर, ओके साथ में करो फटाफट, चलो। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ओके। तो प्लीज़ से आप साथ में वॉच, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, ओके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारा मेथड पसंद आया, तो प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को, सो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले, ओके। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, राइट। और वो बेल आइकन जो है, अगर आपने नहीं प्रेस किया तो प्लीज़ प्रेस करो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का, ओके। तो प्लीज़ डू इट, ओके। बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।